ओनिन सहायक प्रबंधक रविंद्र जैन के द्वारा तहसील में बैठकर आधार कार्ड के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब भ्रष्टाचार की बात सामने आई तो कलेक्टर को अवगत करा दिया गया, लेकिन इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत से सारा खेल रविंद्र जैन द्वारा खेला जा रहा है। इस खेल को देखकर कुछ दिनों से परेशान आवेदक गणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि सुनवाई न होने पर तहसील व्यापी आंदोलन का धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सिरोंज से कुमार ठाकुर विक्रम सिंह की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आप? विकास रघुवंशी। क्या मामला है ये? पूरा मामला है जी है साहब, मैं आधार कार्ड अपडेट कराने आया यहाँ पे, तो मुझे 2 महीना पहले की तारीख दी गई, जिसके पश्चात फिर मैं दोबारा आया तो मुझसे बोला गया आप 400 रुपये दे दो। जब मैंने जल्दी अपडेशन कराने के लिए 400 रुपये की रिश्वत लिए जाने एवं रिश्वत लेने के बाबत में आधार कार्ड में कोई सुधार न होने के संबंध में उपरोक्त विषय में 18/8/2020 को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें रविंद्र जैन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।